Hello students, welcome to step by step study. So from today we are going to cover your chapter, that is crop production and management. Jaise ki maine aap sabhi ko bataya tha that we will cover your science 8 NCERT and it will be free of cost. To ab hum start karte hain apna chapter padhna. To jo aapka chapter maine basically design kara hai, iska syllabus, iske syllabus mein main kuch bhi nahi chhodungi. UPSC, SSC chahe koi bhi aapka government exam hoga, उस सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल मैं आप लोगों को हो सके वो बताऊँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहली चीज़ है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ योर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मैन्योरिंग, ट्रांसप्लांटेशन. अब ये सब है क्या, लेट्स डिस्कस. सो फर्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते क्या हैं, हॉर्टिकल्चर होता क्या है. हॉर्टिकल्चर होता है बेसिकली द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, जब कल्टीवेशन करते हैं हम कोई किसी भी वेजिटेबल की, या फिर आप फ्रूट्स उगाएं या फिर आप फ्लावर्स की खेती करें, उसी को हम हॉर्टिकल्चर को कहते हैं. और जो क्रॉप्स होते हैं, जिस चीज़ को हम उगाते हैं इसमें, उसी को बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. देन सेकेंड वन इज़ मैन्योरिंग. मैन्योरिंग क्या होती है, मैन्योर क्या होता है आपका, मैन्योर होता है आपका खाद. अब ये खाद क्या चीज़ है ये बताएं. मैन्योरिंग होता है आपका जब भी आप इस खाद को मिट्टी के साथ मिक्स करते हो. मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल इज़ नोन एज मैन्योरिंग. थर्ड टर्म इज़ योर ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन होता है द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू मेन फील्ड. जब भी आप सीड्स को नर्सरी से अपने फील्ड में लगाते हो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना. ठीक है, देन इज़ योर ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन वो टेक्निक होती है जिसमें हम वाटर को रिलीज़ करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स. ओके, देन इज़ फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र सभी को पता है क्या होता है, एक मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि आपके जो मिट्टी को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई करता है. अब एक तो होती है आपकी खाद, ये होती है ऑर्गेनिक. ठीक है, बट योर फर्टिलाइज़र इज़ इनऑर्गेनिक, ये मैन मेड होता है, ये केमिकल्स होते हैं और जो कि आपकी मिट्टी को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं. देन इज़ योर वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड सुना होगा आपने, वीड्स सुना होगा. वीड्स क्या होती हैं, आपकी अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं जो ग्रो करते हैं आपकी मेन क्रॉप्स के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गेहूं की खेती करी और उसके साथ में कुछ और भी प्लांट्स उग गए जो कि आपने उगाए नहीं है, जो अनवांटेड हैं, खुद से उगते हैं, उसी को हम बोलते हैं वीड्स. अब ये जो वीडीसाइड्स हैं ये होता है आपका वो केमिकल जो इन गंदे प्लांट्स को, जो हार्मफुल प्लांट्स हैं जो आपके क्रॉप्स को हार्म कर रहे हैं, उन वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है. ओके, और ये जो वीडीसाइड्स हैं ये आपके क्रॉप्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है, सिर्फ ये वीड्स को ही डिस्ट्रॉय करते. देन इज़ योर बफर स्टॉक. व्हाट इज़ दिस बफर स्टॉक. बफर स्टॉक होता है ह्यूज रिजर्व ऑफ स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट टू मीट एनी फूड स्कार्सिटी. दैट मीन्स जो बहुत सारे स्टॉक जो हैं, ह्यूज रिजर्व ऑफ स्टॉक जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है उस टाइम पे जब क्रॉप की स्कार्सिटी हो उस टाइम में वो प्रोवाइड कर सके, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक, जो अलग से रखे रहते हैं गवर्नमेंट के पास सेव. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसकी खेती करी वीट की, तो वीट में आपका गवर्नमेंट कुछ चीज़ खरीद लेती है, बहुत सारा वीट, तो उसको बफर स्टॉक में रखती है कि अगर आप आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे देश में फूड की कमी हो या क्रॉप्स की, तो उस टाइम पे ये जो बफर स्टॉक हैं वो यूज़ होते हैं. देन इज़ योर एपिकल्चर. एपिकल्चर होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज. हनी बीज को रियर करना ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ कम्स टू द टर्म एग्रीकल्चर. जो हम कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर, इसमें एग्रीकल्चर क्या है. एग्रीकल्चर इज़ वॉट इज़ एग्रीकल्चर. उसमें दो टर्म्स आपको यूज़ करनी है. एग्रीकल्चर होता है आपका साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉइल्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. अब एग्रीकल्चर में सिर्फ ये नहीं है कि आपने खेती खेती करी है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स को भी हम एग्रीकल्चर में ही काउंट करते हैं. ओके, इट इज़ अ साइंस ऑफ फार्मिंग दैट इंक्लूड्स कल्टिवेशन ऑफ सॉइल. कल्टिवेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को कल्टिवेट करना, उसमें अपनी मिट्टी में कुछ भी चीज़ बोना उगाना, दैट इज़ योर कल्टिवेशन. ठीक है, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, जैसे कि हम शीप हैं उससे वूल निकालते हैं, इट ऑल्सो कम्स इन योर एग्रीकल्चर.
नाउ आगे है आपका जो जो टर्म एग्रीकल्चर है, ये आपका निकल के कहाँ से आई, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो टर्म आपकी एग्रीकल्चर है ये किस किस चीज़ से बन के मिली है। तो पहला जो है वो है आपका एगर, AGER, जस्ट अ मिनट, सो लेट मी राइट इट डाउन, AGER। एगर का मतलब क्या होता है, एगर का मतलब होता है फील्ड, एंड द सेकेंड टर्म इज कल्चरा। ये दो चीज़ों से मिला है एग्रीकल्चर जो है आपका, कल्चरा एंड एगर। कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन। चलिए नाउ लेट्स कम टू द क्रॉप प्लांट्स। ये क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ फील्ड। किसी भी खेत में, किसी भी फील्ड में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को उगाना, उसको बोलते हैं आप क्रॉप प्लांट्स, या सिंपली आप उसको क्रॉप भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गेहूं की खेती कर दी या फिर आपने राइस की खेती कर दी, उसी को बोलते हैं हम क्रॉप प्लांट्स। जो इससे प्रोडक्ट निकल के आता है, अब आपने बीज बो दिया, आपकी क्रॉप हो गई, अब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इसमें उसको बोलोगे आप क्रॉप प्रोड्यूस। ठीक है, गेहूं की खेती तो कर दी, लेकिन जब वो गेहूं काटोगे तो जो कटे हुए गेहूं हैं उसी को बोलते हैं हम क्रॉप प्रोड्यूस। ओके, सो जो क्रॉप प्रोड्यूस है, हमारे इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, देखो ग्रेन्स होते हैं। क्रॉप प्रोड्यूस जो होता है ग्रेन्स की फॉर्म में हो सकता है, रूट्स की फॉर्म में हो सकता है, फाइबर्स की फॉर्म में हो सकता है। जो मेन क्रॉप्स हैं आपके इंडिया में जो उगते हैं, दोज आर फाइबर क्रॉप्स, ग्रेन क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, जिस ठीक है पल्सेस जो बोलते हैं, ऑयल सीड्स। अब ये जो व्हीट, मेज, बार्ले, ये सब चीज़ें हैं, जो आपका गेहूं है, आपका राइस है, चावल है, मेज है, भुट्टा, ये सब इनको क्या बोलते हो, इसको कॉमनली जो है ये सीरियल क्रॉप्स बोले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सीरियल क्रॉप्स क्या हैं, तो दीज आर योर सीरियल क्रॉप्स, राइस, पीस, मीट, ये मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल क्रॉप्स हैं हमारी इंडिया में। मूव फॉरवर्ड, सो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एग्जाम्पल क्या है। पहला आता है आपका सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए सीरियल्स या फिर ग्रेन्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जो राइस, व्हीट, योर मेज, बार्ले, रागी, ये सब होते हैं आपके सीरियल क्रॉप्स। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सीरियल या फिर ग्रेन क्रॉप है, तो आपको ये याद रखना है कि ये होते हैं आपके ग्रेन क्रॉप्स। सेकंड कम्स योर शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप्स क्या होते हैं, जो जिन क्रॉप से आपकी चीनी मिलती है, आपको शुगर मिलता है मीठा, दैट इज़ योर शुगर क्रेन एंड बीट रूट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप सब जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसके बाद। देन कम्स योर रूट क्रॉप्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा फॉर्म हो सकता है कि ये जो शुगर क्रेन है, शुगर केन है, ये किस टाइप का क्रॉप है, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ट्यूबर, रूट, शुगर क्रॉप्स या फिर सीरियल। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो शुगर क्रेन है, इट्स अ शुगर क्रॉप। देन कम्स योर रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स क्या होते हैं आपके, जो आपके ज़मीन में उगते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक तो वैसे होते हैं जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, ऊपर है। अब ये जो रूट क्रॉप्स हैं ये ज़मीन के अंदर उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर स्वीट पटाटो एंड योर कैरेट, याद रखना है स्वीट पटाटो एंड योर कैरेट। कैरेट क्या है आपका, गाजर। स्वीट पटाटो क्या है, शकरकंदी। देन कम्स योर ट्यूबर क्रॉप। अब ये दो चीज़ों में आपको अच्छे से याद रखना है कि रूट क्रॉप्स और शुगर ट्यूबर क्रॉप्स, इसमें क्या डिफरेंस है। एक है आपका पटाटो, देन टैपियोका एंड योर जिंजर। ठीक है, ये हैं आपके ट्यूबर क्रॉप्स और ये होते हैं आपके रूट क्रॉप। अब आप बोलोगे ये हमारा पटैटो भी तो ज़मीन में ही उगता है, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्वीट पटैटो जो है वो रूट क्रॉप होगा। अगर आपके ऑप्शन में ये आ जाए कि इसमें से कौन सा रूट क्रॉप है, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएं जिसमें स्वीट पटैटो और पटैटो दोनों मिले, तो आपको ये याद रखना है स्वीट पटैटो इज़ रूट क्रॉप। जो काफ़ी बच्चे ये चीज़ गलत करके आते हैं पेपर में, एंड योर पटैटो इज़ ट्यूबर क्रॉप। ओके, देन कम्स योर प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या हैं आपके, जैसे कॉफ़ी, टी, रबर एंड कोकोनट, ये सब होते हैं आपके प्लांटेशन क्रॉप्स। कॉफ़ी हो गया, टी, रबर एंड कोकोनट,
ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स कौन कौन से होते हैं जिसमें से आपका ऑयल निकलता है? मस्टर्ड, एक होता है आपका ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल भी खाया होगा आपने, देन योर सनफ्लावर एंड सोयाबीन, इन सब के जो हैं तेल निकलते हैं। तो दिस इज़ योर ऑयल सीड्स। पल्सेस और लेग्यूम्स, पल्सेस बेसिकली क्या हैं? ये होती हैं आपकी दालें। पल्सेस और लेग्यूम्स में आपके आ जाते हैं ग्राम्स, पीस और बीन्स, ठीक है? ग्राम्स, पीस एंड बीन्स। आई होप ये क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये जो सीरियल प्लांट्स हैं ये होते क्या हैं? दीज आर टॉल ग्रासेस विच आर ग्रोन फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स, ओके? सीरियल प्लांट्स होते हैं जो टॉल ग्रासेस होते हैं वो अपने न्यूट्रिशियस सीड्स के लिए उगाई जाती हैं। और न्यूट्रिशियस सीड्स क्या है इसमें? दीज आर ग्रेन्स। हमें सभी को पता है दैट दीज सीरियल क्रॉप्स इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर स्टेपल फूड, या दीज आर स्टेपल फूड एंड दीज आर मेजर पार्ट ऑफ योर डाइट, ठीक है? फॉर पीपल, अब आते हैं आपके जो बेसिकली ग्रोन सीरियल क्रॉप्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, राइस, वीट एंड मेज। अब जो आपके एक क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है आपका कि जो आपके सीरियल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से उससे मिलते हैं? फॉर एग्जांपल जो सीरियल्स हैं आपके, सीरियल्स में भी कौन कौन से? राइस, वीट, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? जो आप क्या खाते हो, चावल और आप अपना गेहूं खाते हो, वो आपको प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देन कम्स योर पल्सेस, जो पल्सेस आप घर में दालें खाते हो वो किसके उसमें होती हैं? किस रिचर इन प्रोटीन्स, दीज आर रिच इन प्रोटीन्स। एंड देन इज योर जो आपके मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, सीड्स हो गया, ठीक है, कोकोनट ऑयल हो गया, इन सब में क्या मिलता है आपको? दीज थिंग्स प्रोवाइड्स यू ऑयल्स, या फिर आप बोल सकते हो फैट्स, ये जो आपके ग्राउंड नट हो गए एंड योर मस्टर्ड। नाउ आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता क्या है? बेसिकली लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ओके? जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे अपने वेजिटेबल उगाते हैं या कोई फ्रूट की खेती करते हैं या फिर कोई फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो उसे बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। और जिस चीज़ की खेती करते हैं, जिन क्रॉप्स की खेती करते हैं, उसी को बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ओके? अब वेजिटेबल्स हैं, इसके हम एग्जांपल सभी को पता है वेजिटेबल क्या होती है, फ्रूट्स क्या होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स एंड फ्लावर्स। जब वेजिटेबल्स हैं इसमें क्या क्या आता है आपका? पटाटो, सभी को पता होगा, आलू, टमाटर, ये सब आते हैं आपके वेजिटेबल्स में, कैबेज, स्पिनच, योर अनियन, रेडिश, ये सभी आते हैं आपके किस में? वेजिटेबल्स में। जो फ्रूट्स हैं आपके, जो फल हैं, उसमें क्या क्या आते हैं? ऑरेंज, बनानास, ग्रेप्स, गवावास, एप्पल, मैंगो, पपाया। अब डेकोरेटिव प्लांट्स क्या होते हैं? डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जो आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगाते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्रोटन, कहीं दे दिया जाए आपको ऑप्शन में, क्रोटन, कैक्टस, बोगनविलिया, ये किस तरीके के प्लांट्स हैं, तो आपको याद रखना है दीज आर डेकोरेटिव प्लांट्स। देन कम्स योर फ्लावर्स, फ्लावर्स में आप सभी को पता है रोज, मेरीगोल्ड, जैस्मिन, बालसम, ये सब आपके फ्लावर्स हैं, तो ये आप कर लेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्रॉप सीजन्स के बारे में। हम सभी को पता है कि हमारे पास दो मेन सीजन्स होते हैं, दो मेन क्रॉप्स के सीजन होते हैं, दैट इज़ अ रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। और क्रॉप्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। अब ये रबी क्रॉप्स जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होगा ही होगा 100%, हर पेपर में आता है ये, तो ये याद रखना है कि रबी जो क्रॉप्स हैं आपके, ये हमारे जो दो मेन क्रॉप्स होते हैं उनका दो, मतलब कि जो दो मेन सीजन्स होते हैं क्रॉप उगाने के, या फिर दो मेन क्रॉप्स हैं, उसको रबी या खारिफ ही बोलते हैं। अब ये जो रबी का सीज़न है, ये रबी क्रॉप्स होते हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग विंटर्स, जो जिनकी जो बुआई होती है वो सर्दियों में होती है, उसको बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स, ओके? दीज क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग विंटर्स, याद रखना है। अब ये कब होते हैं, हम इसको कब बोना शुरू करते हैं? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये बोए जाते हैं, और कटाई होती है इनकी मार्च से अप्रैल के बीच में, ओके? देन इज़ योर खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स जो हैं इनको हम रेनी सीजन के क्रॉप्स भी बोलते हैं, या फिर समर क्रॉप्स भी हम इसको बोलते हैं। अब ये जो खारिफ क्रॉप्स हैं आपके,
तो ये होते हैं आपके, इनका सीज़न होता है जून से जुलाई से लेकर सितंबर टू अक्टूबर, मतलब जून जुलाई के बीच में ये उगाए जाते हैं। इनकी बुआई होती है और कटाई होती है इनकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके राबी क्रॉप्स में एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना है आपको, राबी क्रॉप्स होते हैं विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स इनको क्यों बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इनको विंटर्स में उगाया जाता है। तो जो आपकी वीट है, बार्ले, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसमें, तो ये याद रखना है, पटाटो, ये सब होते हैं आपके राबी क्रॉप्स। और अगर खारिफ क्रॉप्स का आपसे एग्जांपल पूछा जाए, तो खारिफ क्रॉप्स का एग्जांपल है आपका पैडी, मेज, मेज इज़ योर मक्का, ग्राउंडनट, कॉटन, पल्सेस, जितनी भी दालें हैं आपकी, ये भी आपकी जो है बारिश के सीज़न में उगाई जाती हैं, ज्वार, ये हैं कुछ खारिफ क्रॉप्स। ओके, अब आपसे ये बोला जाएगा कि जो पैडी क्रॉप्स हैं, इनको जो है बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पैडी क्रॉप्स होते कौन से हैं, जो आपका राइस होता है उसी को हम पैडी क्रॉप बोलते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा, सभी को पता है कि जो हमारा चावल है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से इसको जो है रेनी सीजन में उगाया जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, तो उससे पहले मैं और चीज़ें थोड़ा सा एक बार हम क्या करते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं विच आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज, उसको आप क्या बोलते हो, क्रॉप प्लांट्स। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, जो प्रोडक्ट होता है कल्टिवेटेड प्लांट्स का, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप प्रोड्यूस। अब लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट्स, उसको क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर। सेकेंड, क्रॉप सोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, अब ये बताइए जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स। और राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, वीट, ग्राम, बार्ले, पटाटो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर राबी क्रॉप्स। एंड देन इज़ योर खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं आपके, जो आपके जिसको हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, या फिर ये रेनी सीजन्स में उगाए जाते हैं, जैसे राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन एंड पल्सेस, दीज आर योर खारिफ क्रॉप्स। मूविंग फॉरवर्ड, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जब भी आपको कोई खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, तो उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नीड्स सर्टेन टूल्स,